भीष्म जी के पास जाकर सब राजाओं का तथा कर्ण का मिलना। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीष्म जी महाबली और देवता के समान थे। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उस समय रणभूमि में उनके गिर जाने से हमारे योद्धाओं की क्या गति हुई होगी? भीष्म जी ने अपनी दयालुता के कारण जब शिखंडी पर बाणों का प्रहार नहीं करने का निश्चय किया, तभी मैं समझ गया था कि अब पांडवों के हाथ से कौरव अवश्य मारे जाएंगे। हाय, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी, जो आज अपने पिता के मरण का समाचार सुन रहा हूँ। वास्तव में मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। तभी तो आज भीष्म जी की मृत्यु की बात सुनकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। संजय, कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी जिस समय मारे गए, उसके बाद यदि उन्होंने कुछ किया हो, तो वह भी मुझे बताओ। संजय बोला, सायंकाल में जब भीष्म जी रणभूमि में गिरे, उस समय कौरवों को बड़ा दुख हुआ और पांचाल देशीय योद्धा आनंद मनाने लगे। भीष्म जी बाणों की शैया पर सोए हुए थे। उस समय आपका पुत्र दुशासन बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना में गया। उसे आते देख कौरव सैनिक मन ही मन यह सोचकर कि देखें यह क्या कहता है, उसे चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। दुशासन ने द्रोणाचार्य को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह अप्रिय संवाद सुनते ही आचार्य मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में जब सचेत हुए तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। कौरवों को लौटते देख पांडवों ने भी घुड़सवार दूतों के द्वारा सब ओर फैली हुई अपनी सेना को युद्ध से रोक दिया। क्रमशः सब सेना के लौट जाने पर राजा अपने अपने कवच और अस्त्र शस्त्र उतार कर भीष्म जी के पास पहुंचे। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के लोग भीष्म जी को प्रणाम करके वहां खड़े हो गए। उस समय धर्मात्मा भीष्म जी ने अपने सामने खड़े हुए राजाओं को संबोधित करके कहा, महान सौभाग्यशाली महारथियों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देवोपम वीरो, इस समय आपके दर्शन से मुझे बड़ा संतोष हुआ है। इस तरह सबका अभिनंदन करके भीष्म जी ने पुनः कहा, मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, आप लोग इसके लिए कोई तकिया ला दीजिए। यह सुनकर राजा लोग बहुत कोमल और उत्तम उत्तम तकिये ले आए, परंतु पितामह को वे पसंद नहीं आए। उन्होंने हंसकर कहा, राजाओं, ये तकिये वीर शैया के योग्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, बेटा धनंजय, मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिए शीघ्र ही इस बिछौने के अनुरूप एक तकिया ला दो। तुम सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, अतः तुम ही यह कार्य कर सकते हो। अर्जुन ने भी बहुत अच्छा कहकर इस आज्ञा को स्वीकार किया और भीष्म जी की अनुमति ले अपना गांडीव धनुष उठाया। उस पर तीन अभिमंत्रित बाणों को रखकर उन्होंने उन्हें मारकर भीष्म जी का मस्तक ऊंचा कर दिया। मेरा अभिप्राय अर्जुन की समझ में आ गया, यह सोचकर भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके दिए हुए इस वीरोचित तकिये को पाकर भीष्म जी ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, पांडुनंदन, तुमने इस शैया के योग्य तकिया लगा दिया। यदि ऐसा न करते तो मैं क्रोध में आकर तुम्हें शाप दे देता। महाबाहो, अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को संग्राम भूमि में इसी प्रकार शरशैया पर शयन करना चाहिए। अर्जुन से यों कहकर भीष्म जी ने अन्य राजा और राजकुमारों से कहा, देखिए आप लोग, अर्जुन ने कैसा बढ़िया तकिया लगा दिया। अब मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आते तब तक इस शैया पर पड़ा रहूंगा। उस समय जो लोग मेरे पास आएंगे वे मेरी परलोक यात्रा देख सकेंगे। मेरे आसपास की भूमि में खाई खुदवा देनी चाहिए।
इन सैकड़ों बाणों से बिंधा हुआ ही मैं सूर्य देव की उपासना करूंगा। राजाओं, अंत में मेरी प्रार्थना यह है कि आप लोग अब आपस का वैर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिए। तदनंतर शरीर से बाण निकालने में कुशल सुशिक्षित वैद्य अपने सात समान के साथ भीष्म जी की चिकित्सा के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर भीष्म जी ने आपके पुत्र से कहा, दुर्योधन, इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान के साथ विदा कर दो। इस अवस्था को पहुंच जाने पर अब मुझे वैद्यों से क्या काम है? क्षत्रिय धर्म में जो सर्वोत्तम गति है, वह मुझे प्राप्त हुई है। बाण शैया पर शयन करने के पश्चात अब चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं है। इन बाणों के साथ ही मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। पितामह की बात सुनकर दुर्योधन ने वैद्यों को धन आदि से सम्मानित करके विदा कर दिया। नाना देशों के राजा वहां जुटे हुए थे। वे भीष्म जी की यह धर्मनिष्ठा और साहस देखकर बहुत विस्मित हुए। इसके बाद कौरव और पांडवों ने बाण शैया पर सोए हुए भीष्म जी की तीन बार प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षा का प्रबंध करके वे सब लोग अपने-अपने शिविर में लौट आए। महारथी पांडव अपनी छावनी में प्रसन्न होकर बैठे थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर युधिष्ठिर से कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपकी जीत हो रही है। धन्य भाग जो भीष्म जी मारे गए, ये महारथी संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी थे। मनुष्यों से तो ये अवध्य थे ही, देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते थे, किंतु आपके तेज से ये दग्ध हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, विजय तो आपकी कृपा का फल है। आप भक्तों का भय दूर करने वाले हैं और हम लोग आपकी ही शरण में पड़े हैं। जिनकी रक्षा आप करते हैं, उनकी यदि विजय हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है, जिसने सर्वथा आपका आश्रय लिया है, उसके लिए कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है। उनके ऐसा कहने पर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह कथन आपके ही अनुरूप है। संजय ने कहा, राजन, जब रात बीती और सवेरा हुआ, तो कौरव और पांडव पितामह भीष्म के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने वीर शैया पर सोए हुए पितामह को प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गए। हजारों कन्याओं ने वहां आकर भीष्म के शरीर पर चंदन, रोली, खील और फूल की मालाएं चढ़ाकर उनकी पूजा की। दर्शकों में स्त्री, बूढ़े, बालक, ढोल पीटने वाले, नट, नर्तक और शिल्पी आदि सभी श्रेणी के लोग थे। सभी बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शन करने आए थे। कौरव और पांडव भी युद्ध बंद करके कवच तथा हथियार अलग रखकर परस्पर प्रेम के साथ अपनी अपनी अवस्था से क्रम से पितामह के पास बैठे थे। बाणों के घाव से भीष्म जी का शरीर जल रहा था। पीड़ा से उन्हें मूर्छा आ जाती थी। उन्होंने बड़ी कठिनाई से राजाओं की ओर देखकर कहा, पानी चाहिए। सुनते ही क्षत्रिय लोग उठे और चारों ओर से उत्तमोत्तम भोजन की सामग्री तथा ठंडे जल से भरे हुए घड़े लाकर उन्होंने भीष्म जी को अर्पण किए। यह देख भीष्म जी बोले, अब मैं पहले भोगे हुए किसी मानवीय भोग को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं मानव लोक से अलग होकर बाण शैया पर शयन कर रहा हूं। यह कहकर वे राजाओं की बुद्धि की निंदा करते हुए बोले, इस समय अर्जुन को देखना चाहता हूं। यह सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुंचे और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से खड़े होकर बोले, दादाजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अर्जुन को सामने खड़े देख धर्मात्मा भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे बाणों से मेरा शरीर जल रहा है। मर्म स्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मुंह सूख जाता है। मुझे पानी दो। तुम समर्थ हो
तुम ही मुझे विधिवत जल पिला सकते हो।